नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित बर्नवाल। 5 ईयर्स स्ट्रगल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर SBI क्लर्क मेंस का रिजल्ट कब आउट होगा। लोग काफ़ी क्यूरियस है जानने के लिए कि कब आएगा SBI क्लर्क मेंस का रिजल्ट। इसको लेकर काफ़ी वीडियोज़ ऑलरेडी बन चुकी है, लेकिन मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ सोर्स से पता चला है कि SBI क्लर्क मेंस का रिजल्ट जो है वो दीपावली के दिन या फिर छठ पूजा के बीच, यानी कि दीपावली और छठ पूजा के बीच कभी भी आउट हो सकता है। ज़्यादा चांसेस है दीपावली के पास। उसके बाद बहुत सारे लोग मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि सर SBI क्लर्क का कट ऑफ क्या जा सकता है। इसके पहले मैंने RRB क्लर्क का कट ऑफ का वीडियो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, जिसे काफ़ी लोगों ने पसंद किया है और वो ये जानना चाह रहे हैं कि SBI क्लर्क का कट ऑफ सर क्या जा सकता है। तो मैं SBI क्लर्क का कट ऑफ तो अभी नहीं बता सकता क्योंकि एग्ज़ाम बहुत दिन पहले हो चुके हैं और इसको लेके काफ़ी वीडियोज़ ऑलरेडी बन चुकी है। हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि SBI क्लर्क में कैसा पेपर था, कितने गुड अटेम्प्ट हो सकते हैं और मैंने कितने किए। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि SBI क्लर्क का पेपर कैसा था। तो पेपर जो है वो पिछले साल के कंपैरिजन में टफ था। मैथ्स का सेक्शन, क्वांट का सेक्शन जो था वो काफ़ी टफ था, लोगों के अटेम्प्ट भी काफ़ी कम हुए हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने टोटल 98 अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से मैंने GA में 37 अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से मेरे 31 करेक्ट हैं। उसके बाद मैंने इंग्लिश में 30 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 25 प्लस मार्क्स बन जाएंगे। क्वांट में मैंने 13 अटेम्प्ट किए थे और रीजनिंग में मैंने 18 अटेम्प्ट किए थे। क्वांट के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि क्वांट का जो पेपर था उसके कुछ DI थे वो ऑलमोस्ट PO लेवल के थे। क्वांट का के बारे में मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि रीसेंट एग्जाम्स में आपने देखा होगा कि क्वांट काफ़ी टफ पूछी जा रही है, इसीलिए मैं क्वांट का थोड़ा सा एनालिसिस आपको दे दूँ। उसमें से मैंने एक DI बनाई थी जो कि 2 पाई चार्ट पे बेस्ड था और वो काफ़ी टफ था। उसको बनाने में मेरे 20 मिनट लग गए। 6 क्वेश्चन थे, वो मेरे सारे सही हैं। तो मुझे लगता है कि जो मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं वो अराउंड 85 है। ठीक है, आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, आपने कितने अटेम्प्ट किए SBI में और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है आपका होगा कि नहीं होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करें। किस स्टेट से आपने अप्लाई किया ये भी जरूर कमेंट में बताएं। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि RRB क्लर्क का कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने वीडियो बनाया हुआ था कुछ दिन पहले, उसे काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, अगर आप RRB क्लर्क का एग्ज़ाम दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को जरूर देखें। और बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।